वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर सख्त नजर बनाए हुए है। इससे पहले भी सुनवाई में फटकार लगाई थी और केंद्र सरकार से कई जवाब तलब किए थे और इस बीच अभी भी प्रदूषण पर सुस्त रवैये को लेकर सख्त है कोर्ट। केंद्र से देरी को लेकर पूछा सुप्रीम कोर्ट ने सवाल, केंद्र को एक बार फिर से सवाल पूछे हैं। लोगों के घरों के अंदर भी प्रदूषण हो रहा है तो आखिर किस तरह से इस पर काबू पाया जाए, और इवन आधा अधूरा नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा है क्योंकि अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही थी। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, वाकई बेहद गंभीर चिंता का विषय और इसको लेकर के बहुत पहले ही कोई कड़ा स्टेप या कड़ी कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? और बताना चाहूंगा कि गंभीर चिंता का विषय हमारे, आपके और आम आदमी के लिए है, संसदीय समिति के लिए गंभीर चिंता का विषय नहीं है। संसदीय समिति की बैठक सिर्फ इसलिए स्थगित हो गई कि वहां कोई सांसद और जितने सदस्य थे वो नहीं पहुंचे। इससे पता चलता है केंद्र सरकार वहां दिल्ली सरकार को निशाने पर लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रही है। ये कह रही कि ऑड इवन से कोई फायदा नहीं हुआ, तो आपके इससे क्या फायदा हुआ? सरकार को ये जवाब देना चाहिए, संसदीय समिति को, जनता को जवाब देना चाहिए और जिस सदन के प्रति वो जिम्मेदार है उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि आपको इस मामले में काम करना पड़ेगा, पूरे साल भर आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 15 दिन 20 दिन एक महीना जो जनता का जानलेवा होते हैं ये सिर्फ सरकारों की नाकामी और लापरवाही की वजह से होते हैं। कोर्ट ने पूछा कि चाइना में कैसे कामयाब हो गया ये एयर प्योरीफायर और आपके यहाँ क्यों नहीं हुआ, तो इस पर ये जवाब दिया गया केंद्र सरकार की ओर से, जी वहाँ पर हमारे यहाँ तो प्योरीफायर 1 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, चाइना में 10 किलोमीटर का करते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आपको वैसे प्यूरीफायर लगाने के लिए कितना समय चाहिए बताइए और आपको करना है। केंद्र सरकार ने कहा हमें अध्ययन करने के लिए 1 साल का समय चाहिए। कोर्ट ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आखिर इतना समय क्यों चाहिए, तो इनका कहना था कि वो हमें स्टडी भी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। आखिर कोर्ट ने वो समय भी दे दिया, लेकिन इस ताकीद के साथ कि वो बताए और इंतजाम करे पुख्ता कि अगले साल से इस तरह की समस्या ना आए। दिल्ली सरकार से जब ये पूछा गया कि ऑड इवन का डाटा आपका ये बताता है कि ऑड इवन से कोई खास फायदा नहीं हुआ, दिल्ली सरकार का कहना था जी वो मुख्य समस्या तो पराली जलाने से आती है, ऑड इवन तो हमने एक एडिशनल उपाय किया हुआ है जिससे थोड़ा जितना ही प्रदूषण हो कम तो हो जाए। यानी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किन की लापरवाही की वजह से संसदीय समिति की, शहरी विकास मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक क्यों नहीं हुई शहरी विकास मामलों पर? प्रदूषण का इतना बड़ा मुद्दा है लेकिन उस पर सांसद क्यों नहीं आ गया है, क्यों नहीं पहुंचे? क्या संसदीय समिति उन लोगों से जवाब तलब करेगी कि आम आदमी के लिए जो इतनी गंभीर समस्या है, क्या उन सांसदों के लिए, समिति के सदस्यों के लिए क्या ये समस्या उतनी गंभीर नहीं है? इससे कौन सा जरूरी काम वो कर रहे थे कि मीटिंग में नहीं आए? बिल्कुल संजय, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल जवाब किए थे और ये पूछा भी था कि आखिर जो ये देरी हो रही है अभी तक प्रदूषण को लेकर या उससे निपटारे को लेकर केंद्र की तरफ से कोई कड़ा कदम या कड़ा फैसला क्यों नहीं सामने आया, क्यों ये सब कुछ हो रहा है अभी भी इस साल भी, जबकि पिछले साल भी लोग इससे काफी परेशान हुए थे। एक बार फिर से फटकार लगाई है और केंद्र सरकार को खास करके क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? केंद्र सरकार को ये दिशा निर्देश दिए गए कि आपको गंभीरता से उपाय करने हैं, जो भी अध्ययन कराना हो, आपने पहले अध्ययन क्यों नहीं कराया कि समस्या तो कई सालों से आ रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने सारे आंकड़े मांगे हैं और ये बताया कि हम इसका अध्ययन भी करने वाले हैं, क्योंकि आपने अब तक जो उपाय किए हैं वो ये जाहिर है कि इससे कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि जितना मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, आप दवा करने की बात कर रहे हैं लेकिन बीमारी तो बढ़ती जा रही है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके उपाय कितने सक्षम हैं, क्या सिर्फ आई वॉश के लिए उपाय हो रहे हैं या फिर उपाय सच में ग्राउंड पर दिखाई क्यों नहीं दे रहे। कोर्ट ने साफ साफ ये पूछा कि चाइना ने कैसे कंट्रोल कर लिया, आप कैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सरकार अब जवाब तो दे रही है, लेकिन सरकारी अधिकारियों को और जो वहाँ जवाब देने खड़े हैं उनको भी पता है कि आखिर कितने उपाय गंभीरता से हो रहे हैं और कितने उपाय सिर्फ कागजों पर हो रहे हैं या फिर जनता को दिखाने के लिए हो रहे हैं या फिर कोर्ट के सेटिस्फेक्शन के लिए हो रहे हैं कि कोर्ट हमसे पूछेगा तो हम कह देंगे हमने साहब ये काम किया है। बिल्कुल संजय, आप बने लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।